अयोध्या। अयोध्या नाम से ही पता चलता है कि ये श्री राम की पावन धरती है। ये पावन धरती पर 22 जनवरी 2024 को इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। दोस्तों ये 500 वर्ष के बाद ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब भगवान श्री राम ये दोबारा अपने पद यात्रा या यूँ कहें अपने भव्य दरबार अयोध्या में एक बार फिर से विराजमान होने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर की थोड़ी खास बातें क्या क्या हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी जानकारी लगातार वीडियो बना रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अयोध्या के राम मंदिर में जो राजस्थान के नक्काशीदार पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भव्य राम मंदिर की लंबाई 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट। जाने राम मंदिर की कुछ खास बातें और हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों राम की नगरी अयोध्या पौराणिक कथाओं में और इतिहास को अपने अंदर काफ़ी कुछ समेटे हुए है। यह पावन भूमि एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रही है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो चुका है। बस 22 जनवरी 2024 को ये खास कार्यक्रम होगा। इसके बाद 2 महीनों तक अयोध्या में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, 25 मार्च तक चलेंगे। चलिए आस्था और वास्तु शिल्प कौशल को दिखाते हुए आस्था के राम मंदिर की विशेषताएं बताते हैं थोड़ा। दोस्तों विशेषताएं कुछ ऐसी हैं, यह भव्य राम मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। कहते हैं कि मंदिर की जो लंबाई है वो 380 फीट है और जो चौड़ाई है वो 250 फीट है और जो ऊंचाई है वो 161 फीट रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं मंदिर की 3 मंजिला रहेगा। दोस्तों मंदिर प्रत्येक ऊंचाई जो रहती है वो 20 फीट रहेगी। दोस्तों कितना खास और कितना कुछ अचंभा बनने जा रहा है। ये मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि ये 500 वर्ष के बाद ऐसे सनातन धर्म में दोबारा ऐसा कुछ हो रहा है कि भगवान श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं। दोस्तों मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम के बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। दोस्तों अयोध्या का राम मंदिर 5 गुंबद वाला दुनिया का अकेले राम मंदिर होगा। ये आश्चर्यजनक करने वाली बात है। दोस्तों नित्य रंग सभा प्रार्थना कीर्तन मंडप आदि सहित मंडप में 5 मंडप होंगे। खंभों और दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं के मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। दोस्तों मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। कहते हैं कि दिव्यांगजन जो पैर से दिक्कत है उनको और वृद्ध के लिए वो मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। सबसे खासियत ये है ये मंदिर की कि निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं की इसकी कुल लंबाई 732 और चौड़ाई 14 फीट होगी। दोस्तों इन परकोटों के चारों कोनों पर सूर्यदेव माँ भगवती गणपति भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। दोस्तों उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा, दक्षिण में भगवान श्री राम और दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। इसके अलावा मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वरिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अज्ञ निषाद राज, माता सबरी व ऋषि गौतम की देवी पत्नी अहिल्या के मंदिर भी बनाए जाएंगे। दोस्तों कितना कुछ हो रहा है इस मंदिर में। इतिहासकारों का मानना है इतना पहली बार हो रहा है क्योंकि ये कलयुग में ऐसा पहली बार दिव्य और चमत्कारी मंदिर बन रहा है। दोस्तों आप भी जब अयोध्या जाइए तो इस भव्य राम मंदिर का दर्शन करना न भूलिए। दोस्तों आप सभी को इंतजार होगा 22 जनवरी को, हमें भी इंतजार है 22 जनवरी का और वो जो दिन आएगा वो इतिहास में एक अपना नाम अलग दर्ज कराया जाएगा। दोस्तों बोलिए एक बार प्रेम से जय सिया राम।